श्री छठ पूजा यंग स्टार क्लब फतेहपुर आप सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करता है। रुको भैया, ये गाथा है एक दानव के महादानव बनने की, जिसका पराजय लगभग असंभव हो चुका था। सभी देवगण बहुत चिंतित हो चुके थे, पृथ्वी पर पूरी प्रजा भयभीत थी, और इसका कारण था सिर्फ और सिर्फ छठ व्रत। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2, दिस ऑल डीजे इफेक्ट। अब स्वाद में भी विशाल स्नैक्स के साथ विशाल प्रतीत होता है पृथ्वी पर कोई घोर संकट में। नारायण नारायण, हमने छठ व्रत को साधारण रूप में होते बहुत देखा, परंतु एक स्त्री और बंधक के रूप में छठ व्रत। नारायण नारायण, हे छठ दर्शन दे और इस स्त्री के कष्टों को दूर करे मां, दूर करे दूर करे मां। नारायण 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 नारायण। पढ़िले पढ़िले छठी मैया महर्षि नारद, आप चिंता न करें, जो भी सच्चे मन से हमारा व्रत करता है हम उसकी सारी कष्ट को दूर करते हैं, और आज भी ऐसा ही होगा। पुत्री, आपने छठ व्रत को इतनी कठिन अवस्था में होके भी पूर्ण किया, हम आपको सौभाग्यवती होने का वरदान देते हैं। आपसे आपके जो भी संकट है सब दूर हो जाएंगे। नहीं माँ, नहीं, ऐसा ना करो माँ, सौभाग्यवती भव। संकट तो अब आएगा, सौभाग्यवती भव। इसका अर्थ तो आप भली भांति ज्ञात हो जाने। इस स्त्री का सौभाग्य मैंने बिल्कुल सही सुना, बहुत सख्ती है छठ पर्व में। मैंने जल से अपनी पत्नी को पंडित बनाकर छठ व्रत संपन्न करा, वरदान भी प्राप्त कर लिया, वो भी बिना कोई घोर तप किए। अब ब्रह्मांड के सभी देवताओं पर संकट आएगा, संकट मैं महादानव
अब मैं दानव से मां दानव बन गया हूं देवी छठ के वरदान तुमने अपनी पत्नी को बंधन बनाकर छल से वरदान प्राप्त किया है दानव से मां दानव बनने के लिए जो मैंने दिया उसे छल नहीं राजनीति कहते हैं क्योंकि तुमने
एक स्त्री को बंदी बनाकर छठ पर्व संपन्न कराया। ये पाप किया है तुमने, छल से वरदान प्राप्त किया। ये पाप किया है तुमने, सूर्य पुत्र कर और शनि को ललकारा है। ये पाप किया है। इतने सारे पाप करने वालों को कभी क्षमा नहीं करते हैं, बल्कि काटते हैं तो उसका गला। एक बार प्रेम से बोलो सूर्य भगवान।